नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं 2020 क्रेटा एसएक्स डीजल के ओनर रिव्यू के बारे में। तो अभी है हम हरियाणा के सिरसा में और जा रहे हैं भावदीन विलेज, जहाँ पे हम मिलेंगे हर्षदीप जी से, जो कि है क्रेटा एसएक्स के ओनर, और आप सबसे शेयर करेंगे इसका एक्चुअल कस्टमर एक्सपीरियंस। पहुंचे हम अपनी डेस्टिनेशन पे और जल्दी स्टार्ट करते हैं इसके ओनर रिव्यू से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं, कस्टमर रिव्यू करने वाले हैं क्रेटा एसएक्स वेरिएंट का डीजल मैनुअल। तो हमारे साथ है हर्षदीप जी, जो कि है इस गाड़ी के ओनर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट्स थे, कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स थे, डिमांड थी कि काफ़ी गाड़ियों के जो ओनर रिव्यूज थे वो हो चुके थे, जैसे कि क्रेटा एस का हो चुका है, क्रेटा के बेस ई का हो चुका है, डीसीटी का हो चुका है। तो काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा और कुछ लोगों की डिमांड थी कि एसएक्स वेरिएंट का भी ओनर रिव्यू, कस्टमर रिव्यू होना चाहिए। तो उसी के लिए आज हम आए हैं यहाँ सिरसा में, भावदीन में, और हमारे साथ है क्रेटा के ओनर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं आप सबसे करना चाहूँगा, वो ये कि सिर्फ तीन काम है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं कि आपकी हर डिमांड जो है वो पूरी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ है हर्षदीप जी। सर हाय कह दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हाय। ओके, तो सर सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये वेरिएंट कितने का पड़ा सिरसा हरियाणा में? सर ये हमें वेरिएंट 16,70,000 ऑन रोड पड़ गया। ओके, हाँ जी। ओके, तो जैसा कि आपने एसएक्स वेरिएंट खरीदा है, हाँ जी, तो आपका मतलब एसएक्स पे ही कैसे प्लान बना कि जैसे और भी टॉप वेरिएंट भी है और बेस वेरिएंट भी है, तो काफी ज्यादा लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि क्रेटा का कौन सा बेस्ट वेरिएंट है और कौन सा खरीदना चाहिए, तो आपका एसएक्स वेरिएंट का मन कैसे बना? सर एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल, ये दो में बहुत फीचर आते हैं, इसलिए एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल में इतना वो ज्यादा डिफरेंस नहीं था। जैसे कि एसएक्स ऑप्शनल में एक दो चीजों का फर्क था, जैसे उसके लिए 2.5-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे, जिससे कि इतनी जरूरत तो पड़ती नहीं है, तो इसलिए हमने एसएक्स लिया है। ओके, तो इसके अलावा जैसे कि आप जब प्लान कर रहे थे गाड़ी खरीदने का, तो क्रेटा के अलावा आपने और भी काफी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन किया होगा, टेस्ट ड्राइव किया होगा, तो किस किस गाड़ी के साथ आपने कंपैरिजन किया था और फिर आपका मन क्रेटा पे ही क्यों बना था? हाँ जी सर, हमने इसका 3-4 गाड़ियों के साथ कंपैरिजन किया था, किया सेल्टो, स्कॉर्पियो एंड XUV300। और स्कॉर्पियो में इतने फीचर्स वगैरह नहीं दिए गए थे, पर उसके जैसे पैसे ज्यादा मांग रहे थे, इसलिए हमने उसकी इतनी वो नहीं समझी। तो XUV300 उसका थोड़ा साइज भी छोटा है और इतने वो भी नहीं है, कंफर्ट नहीं है। और किया सेल्टोस उसकी 3-4 महीने की वेटिंग वो मांगते हैं और हाफ पेमेंट एडवांस ले रहे हैं, इसलिए हमने क्रेटा एसएक्स का मन बना लिया। ओके, और इस गाड़ी में जैसे कि आपको यूज करते होगे काफी टाइम, तो आपको डीजल में माइलेज क्या मिल रही है सिटी और हाईवे पे? हाँ जी सर, अभी एक मंथ हुआ है गाड़ी ली को, तो 1000 के करीब गाड़ी चल चुकी है अब तक, और अभी तक तो 16 और 17 के बीच में गाड़ी एवरेज दे रही है। ओके, तो आपको कोई गाड़ी में हीटिंग प्रॉब्लम वगैरह लग रही है अभी? नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम्फर्ट गाड़ी चल रही है, बहुत अच्छी पिकअप है अब तक गाड़ी की, और आगे भी ऐसी चलती रहेगी तो इसकी मार्केटिंग अच्छी बनेगी। ओके, नॉइस वगैरह कैसे लगती है इंजन की, अंदर कैबिन में आती है नॉइस? सर जब बैठते हैं गाड़ी में पता नहीं लगता कि डीजल गाड़ी है या पेट्रोल गाड़ी है, बहुत अच्छा, जैसे अंदर बैठे को बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होता भी गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। ओके, ठीक है। और जब आप चलाते हैं गाड़ी तो रोड साइड से ज्यादा नॉइस आती है या साइलेंट लगता है कैबिन, मतलब नीचे से कोई नॉइस आती है? नहीं सर, किसी तरह की कोई नॉइस नहीं आती, जाए खड़ी गाड़ी स्टार्ट कीजिए तब भी कोई नॉइस नहीं, अगर हम गाड़ी चला रहे तब भी इतना कोई पता नहीं चलता कि गाड़ी चल रही है या वैसे इंजन बंद पड़ा है। ओके,
और अगर हम बात करें इसके कुछ फीचर्स की, जैसे क्रूज कंट्रोल वगैरह आपने यूज किए हैं, तो आपको कैसे लग रहे हैं? हाँ जी सर, बहुत अच्छे हैं। जैसे और बात करें अगर हम म्यूजिक सिस्टम की, तो इसका टच लैग या फिर कोई और आपको अच्छा ना लगा हो, साउंड सिस्टम अच्छा ना लगा हो? नहीं नहीं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लैकिंग वगैरह कुछ नहीं है, बहुत अच्छा टचिंग सिस्टम वगैरह इसका है और अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, बस ब्लू लिंक वगैरह स्टार्ट करवाना रहता है अभी तक। ओके, और बात करें हम ड्राइविंग की, तो इस गाड़ी की ड्राइविंग कैसी लगी आपको? सर इतनी कंफर्ट है ना इसकी ड्राइविंग, 0 से 100 कब तक गाड़ी चली जाती को पता नहीं चलता। अच्छा। 8 से 10 सेकंड में 0 से 100 पहुंच जाती गाड़ी। अच्छा जी, स्टार्टिंग में पिकअप वगैरह एक्सीलरेशन कैसी लगी? पिकअप सर स्टार्टिंग में तो हमने पहले हमारे पास मेजर जीप थी, तो उसके वो तो बिल्कुल ऐसे हल्के में चलती थी गाड़ी, और ये जब नई ली तो पहले दिन इतनी वो जाती थी, उड़ती जाती थी, जैसे इतनी कंट्रोल, बहुत अच्छा कंट्रोल है, जैसे ब्रेक लगाते हैं वहीं पर जाम हो जाती है। और अगर हम बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग इसका कैसे लग रहा है आपको? मतलब हैवी लग रहा है, लाइट लग रहा है? सर बिल्कुल हल्का है, बस उंगली से चाहे गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा लो तो भी घूम जाएगा। ओके, और बात करें हम सीटिंग कंफर्ट की, स्पेस की, तो सीटिंग कंफर्ट और स्पेस कैसा लगा? सर सीटिंग हम आगे पीछे आराम से कर सकते हैं, कंफर्ट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, हम लॉन्ग ड्राइव पे चाहे 4-5-6 घंटे गाड़ी चला ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गाड़ी चला सकते हैं। और सस्पेंशन की बात करें, तो जैसे मतलब खड्डे वगैरह अगर आपको कितने ज्यादा महसूस होते हैं इस गाड़ी में? बिल्कुल भी नहीं होता उसमें, चाहे खड्डे में चाहे जैसी मर्जी टूटी सड़क हो, बिल्कुल आराम से जाती गाड़ी। ओके, और बात करें हम इसके कुछ अच्छी चीजों की और कुछ नेगेटिव्स की, तो सबसे अच्छी चीज इस गाड़ी में आपको क्या लगी? सर मुझे तो इतनी अच्छी, मुझे तो मेरा पसंद सनरूफ मिला है। अच्छा, बस मुझे ये चीज अच्छी लगी, और इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा मिला है, बोस का इसी के साथ का था वो SX ऑप्शनल में बोस का इसका मिल रहा है स्पीकर्स वगैरह, लेकिन इनकी बेस वगैरह बहुत अच्छी है, बोस के अकॉर्डिंग की है। कुछ ऐसा आपको लगा कि आपने मतलब 16 लाख प्लस स्पेंड किया इस गाड़ी पे, तो आपको कुछ ऐसा लगा कि इस चीज में यार ये चीज होनी चाहिए थी, इस चीज की कमी रह गई? हाँ जी, 16,70,000 लगा तो दिए, लेकिन इन्होंने मैट नहीं अच्छे दिए। मैट अच्छा। की बहुत इतने बेकार मैट थी है ना, कि जितने पैसे लगाए उसके अकॉर्डिंग हमें मैट नहीं मिले। अच्छा, बाकी तो गाड़ी बहुत अच्छी है। बाकी आपको इंटीरियर्स की फिट एंड फिनिश क्वालिटी वगैरह? हाँ जी, ओवरऑल क्वालिटी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी है, किसी तरह की कोई वो नहीं है, जैसे फिक्स्ड है सब कुछ, और बहुत अब कोई आवाज वगैरह किसी तरह की नहीं आती। अच्छा, तो आप पूरी तरह सेटिस्फाइड है इस गाड़ी से 16 लाख लगाने के बाद? अगर हमारे कस्टमर्स अगर कंफ्यूज है इन गाड़ियों में से, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि खरीदनी चाहिए ये गाड़ी या नहीं? सर एक बार 16-17 लाख रुपए लग गए तो उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है 10-12 साल। ओके जी। अच्छा, तो और सबसे बढ़िया चीज और क्या लगा आपको इस गाड़ी में खास? हाँ जी सर, इसमें जैसे हम बारिश वगैरह में कहीं बाहर जाते हैं, तो दूसरी गाड़ियों में जैसे ब्रेकिंग वगैरह लगाते हैं तो अगले टायर स्लिप कर जाते हैं कई बार। okay. तो इसमें अलग से फीचर दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोलिंग का। जैसे कि हम ब्रेक लगाते हैं तो अगले टायर स्लिप नहीं करते, वहीं के वहीं जाम हो जाते हैं। okay. इससे इसके अलावा सर हमें इसमें गाड़ी में एक एक्स्ट्रा वो मिलता है कि कहीं हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और हमें होटल वगैरह का नहीं मिलता, तो इसमें ये गाड़ी की पिछली सीटों का बेड भी बन जाता है। Okay. जिससे कि हम आसानी से कहीं भी नाइट स्पेंड वगैरह कर सकते हैं, कि हमें इस चीज की देखने की जरूरत नहीं है, गाड़ी में हम आराम कर सकते हैं। ओके, तो काफी अच्छे अच्छे इन्होंने खास फीचर्स बताए इस गाड़ी के, जो इनको काफी अच्छे लगे। तो दोस्तों, ये था क्रेटा SX का कस्टमर रिव्यू, और क्रेटा की और ऑटो वर्ल्ड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सो हर्षदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। थैंक यू। So thank you guys for watching. Thank you. Jai Hind.